चीकू सियार नंदन वन में सबसे धनी सियार माना जाता था। पिछले 10 वर्षों से उसे कोई चुनौती नहीं दे पा रहा था, इसीलिए वह घमंडी हो गया था। इधर पिछले महीने मन्नू बंदर ने एक साइबर कैफे खोला था, वह खूब चल निकला था। मग्गो लोमड़ी, चिंकी गिलहरी, टिंकू खरगोश, लल्लू भालू उसके कैफे में घंटों बैठकर अपना समय बिताते थे। मन्नू का काम बढ़ता चला जा रहा था। चीकू सियार उससे चिढ़ने लगा। उसे किसी का अपने से आगे बढ़ना पसंद न था। चीकू मन्नू के साइबर कैफे का काम ठप्प करने की तरकीब सोचने लगा। जंगल के शेर से चीकू के अच्छे संबंध थे। वह एक दिन शेर की गुफा में जा पहुंचा और कहने लगा, सर आप गुफा में पड़े पड़े बोर होते रहते होंगे, अब तो आप यहीं बैठे बैठे अपने दूर के रिश्तेदारों से बतिया सकते हैं, दूसरे जंगल के शेर से बातें भी कर सकते हैं, उससे शिकार के नए नए तरीके पूछ सकते हैं। वाह कैसे? शेर ने हैरानी से पूछा। सर मन्नू बंदर का कैफे है ना, वहाँ कंप्यूटर पर आप यह सब कर सकते हैं। शेर इस नई बात को सुनकर हैरान हो गया। चीकू ने शेर को उकसाते हुए कहा, सर आप वहाँ एक बार चलकर तो देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, अगर तुम जिद करते हो तो मैं वहाँ जरूर जाऊँगा, शेर बोला। चीकू यह सुनकर खुश हो गया। एक दिन शेर घूमता फिरता मन्नू के कैफे में पहुँच ही गया। मन्नू ने शेर का स्वागत किया। मन्नू ने शेर को कंप्यूटर चलाना सिखा दिया। शेर ने न केवल दूसरे शेर से चैटिंग की बल्कि देश विदेश में अपने कई मित्र बना लिए। डिस्कवरी चैनल और कार्टून नेटवर्क की वेबसाइट देखकर उसे बहुत मजा आया। अब शेर प्रतिदिन 3 घंटे मन्नू के कैफे में ही बिताने लगा। जंगल का राजा होने के कारण मन्नू की उससे पैसे मांगने की हिम्मत न हुई, पर इससे उसे घाटा हो रहा था। जब तक शेर वहाँ रहता तब तक अन्य छोटे मोटे जानवर उसके डर के मारे कैफे में आते नहीं थे। इस तरह मन्नू पर दोहरी मार पड़ रही थी, पर इससे चीकू सियार मन ही मन खुश था। मन्नू ने अपनी समस्या दोस्तों को बताई। मग्गो लोमड़ी ने उसे रानी हथिनी से मिलने की सलाह दी। मन्नू बंदर रानी हथिनी के पास पहुंचा। रानी ने उसे एक सलाह दी। उसके बताए अनुसार साइबर कैफे के बाहर बोर्ड लगाया गया, इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए कम से कम 2 लोग साथ आएं। इसे पढ़कर शेर सोच में पड़ गया कि वह अपने साथ किसे लाए। रास्ते में उसे चीकू सियार मिल गया। शेर ने उससे साथ चलने को कहा। चीकू मना नहीं कर सका। दोनों साइबर कैफे में जा पहुंचे। शेर तो चैटिंग में खो गया, चीकू वहां बैठा बैठा बोर होता रहा। उसे अपने कारोबार की भी चिंता थी। मन्नू ने हिम्मत करके चीकू से पैसे भी मांग लिए। चीकू सियार को पैसे देने पड़े। अब तो रोज का यही सिलसिला चल पड़ा। शेर चीकू को साथ लेकर साइबर कैफे में आ धमकता, चीकू को उसके साथ बैठना पड़ता और पैसे भी देने पड़ते। उसका अपना काम धंधा चौपट हो रहा था, पर वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वह बुरी तरह फंस चुका था। वह शेर से दुश्मनी भी मोल नहीं ले सकता था। उधर मन्नू का कैफे खूब लाभ कमा रहा था। उसने रानी हथिनी को धन्यवाद दिया। चीकू को अपनी करनी का फल भुगतना पड़ रहा था।